बच्चों आप में से जितने भी सारे बच्चों का ये सपना है कि खुद को एक डॉक्टर बनाना, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। देखिए नीट का जो एडमिट कार्ड है, पूरा ये एडमिट कार्ड आप लोगों को मिला है। ऐसा एक नीट का एडमिट कार्ड आता है जो ऑलरेडी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। आज अगर आप लोगों का सेकेंड शिफ्ट में भी एग्जाम है या नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम पे जब आप लोगों का रहेगा, अगले साल भी जब आप लोग एग्जाम दीजिएगा, तो ये सेम नीट का एडमिट कार्ड रहता है। इसका 3 कॉपी रहता है। देखिए फर्स्ट पेज में आपका सभी पर्सनल डिटेल से शुरू करके कैंडिडेट का एक कलर इमेज रहेगा, उसके बाद कौन सा सेंटर में उसका एग्जाम दिया गया, एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, ये यहाँ पे लिखा हुआ रहता है पूरा, ठीक है। और ये जो इमेज देख रहे हैं ये 4x6 का एक इमेज है, जो कि ये फर्स्ट पेज हो गया। इसका 3 पेज रहता है। फर्स्ट पेज मैंने यहाँ पे रखा। सेकेंड पेज का यहाँ पे देखिए एक स्पेस आपको मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये नीट 2024 का एडमिट कार्ड है। मैं आप सभी बच्चों के लिए इसे दिखा रहा हूँ, आप लोगों का कुछ गलती ना हो इसके लिए। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाइएगा तो स्मार्ट वॉच अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहता है। बट आप अपना एक खुद कलर ऐसा सेम इमेज एक साथ में रखिएगा, और एक ये 4x6 का एक इमेज है, देखिए मेरा हाथ में कितना बड़ा है ये जो इमेज है आपको यहाँ पे चिपकाना है। मैं दिखाता हूँ, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज पोस्ट ए पोस्ट कार्ड साइज 4x6 का इमेज आपको देना है। जो ये इमेज है देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो कैंडिडेट है इनका फ्रंट पेज पे भी ये सेम इमेज है। ये देखिए उनका एप्लीकेशन फॉर्म था, इसका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का फॉन्ट में जो इमेज है सेम इमेज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट को ये इमेज यहाँ पे ऐसे करके देना है। जो सर रहेगा जो आपका वेरीफाई करेगा वो यहाँ से आपका साइन करके देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो रिपोर्टिंग डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 5/5/2025, आज ही के डेट पे ये एग्जाम था। एक्चुअली पता है मैं वीडियो थोड़ा लेट में अपलोड कर रहा हूँ, बट फिर भी जो सभी स्टूडेंट जा रहे हैं, अगर आप लोग के पास ये इमेज लाना आप भूल गए तो नियर बाय कोई भी शॉप से, जो भी दुकान में आप ये बना सकते हैं, जहां से आप बना सकते हैं इसको। तो এটাই বলবো বাংলা থেকে যারা দিচ্ছ আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের অনেক অভিনন্দন। তোমরা ভালোভাবে পরীক্ষা দাও। আর যে সবই লোক বাহার সে আপলোগ ইস ভিডিও কো দেখ রে, আপলোগ ভি আচ্ছে সে এক্সাম দিজেগা, সহি সে এক্সাম দিজে, অর ইসকো ইয়াহা পে আপ চিপকা লিজে। লাস্ট বালা পেজ মে কুছ ইনস্ট্রাকশন জাস্ট লিখা হুয়া হ্যায়, ইয়ে উতনা ইম্পর্টেন্ট নেই, ফার্স্ট দো পেজ হি আপকে লিয়ে মেন হ্যায়, অর বাকি কা জো ভি প্রসেস হ্যায় ইয়ে আপকো তো অন স্পট দিখা দিয়া জায়েগা। বাট ইয়ে মে আপকো ক্লিয়ারলি বাতা রাহা হু, ইয়ে হো গিয়া আপকা 4x6 जो पोस्ट कार्ड साइज का 4x6 का रेशियो का जो इमेज रहता है, देखिए मेरा हाथ में इतना सा आ रहा है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे चिपकाना है ऐसे करके, इस पेज में ये आपका रहेगा। और साथ ही साथ आपको ओरिजिनल अपना डॉक्यूमेंट स्टेंट का एडमिट कार्ड या आधार कार्ड साथ में लेना है। और ये हो गया आपका फ्रंट पेज, तो ये दोनों आपको इस हिसाब से लेके जाना है। तो मैं इसे गम देके यहाँ पे ग्लू के द्वारा यहाँ पे इसको चिपका देता हूँ ऐसे करके, ये रहेगा पूरा जैसे आप लोग देख रहे हैं, और ये फ्रंट पेज ऐसा रहेगा। तो ये पेज को आपको लेके जाना है। स्टूडेंट का सिग्नेचर यहाँ पे है, उसका नेम, कौन सा सेंटर में आया है, टेस्ट डिटेल सभी कुछ यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो ये कैंडिडेट का फोटोज जो है अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन। और एक चीज मैं तो भूल गया, ये सेम इमेज आपको और एक लेके जाना है, यहाँ पे आपको लगेगा ये, ठीक है। कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जो इमेज आप यूज कर रहे हैं सेम इमेज को आपको यहाँ पे और एक छोटा कॉपी पासपोर्ट साइज यहाँ पे आपको लेके जाना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है, जो स्टूडेंट जाएगा उनको हम ये दे देंगे। और ये जो स्टूडेंट का प्रोसेस है ये देखिए था। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जो सभी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट है मन में तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा। और अपकमिंग ईयर में आप लोग भी जो एग्जाम देने वाले हैं हमें फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।